हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सिविल स्टाफ आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं तो स्टूडेंट्स आज फाइनली आपका आर बी आई ग्रेड बी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का एग्जाम हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स से एक फीडबैक लिया गया है ताकि हम आपको ये बता सके कि आज का ओवरऑल एग्जाम कैसा था उसका एनालिसिस पूरा आपको दे सके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसी है और क्या चेंजेस रहे लास्ट ईयर से इस ईयर में तो चलिए शुरू करते हैं आज का एग्जाम एनालिसिस तो बच्चे अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं आपका आज का जो आरबीआई ग्रेड बी का फेस वन का एग्जाम हुआ है उसका डिफिकल्टी लेवल जो था वो आपका मॉडरेटली हाई था ओके okay. देखो कुछ चीजें एक्सपेक्टेड रही हैं है ना कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड भी हुई हैं आज के पेपर में तो ओवरऑल अगर मैं फीडबैक दू ना मतलब उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स का कॉम्बिनेशन अगर मैं बताऊं तो वो है मॉडरेटली हाई डिफिकल्टी लेवल ठीक है तो आपके पेपर में कई बच्चे कुछ चीज़ों से काफी हैरान भी हुए कि ऐसा भी हो सकता है बट कुछ चीज़ें उनको पता था ऐसे आएँगे और वैसे ही आई हैं है ना तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ सेक्शन एक एक सेक्शन के ऊपर पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हर सेक्शन में सबसे ज़्यादा चेंजेस के सेक्शन में आए हर सेक्शन में क्या क्या पूछा गया ओवरऑल क्या रहा सारे सेक्शन का uh, जो क्राइटेरिया था तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल अवेयरनेस की जिसके आपके 80 क्वेश्चंस पेपर में आए हैं ऑब्वियसली आपको पहले से पता था कि जर्नल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस आते हैं बट क्या स्टूडेंट्स पहले मान रहे थे और क्या हुआ है देखो इस बार की जो जर्नल अवेयरनेस है वो फेस टू फोकस्ड थी यानी कि अगर अब कई स्टूडेंट्स होते हैं फेस वन और फेज टू की तैयारी एक साथ करते हैं है ना बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फेज टू को कहते हैं कि हम बाद में करेंगे पहले फेस वन अच्छे से कर लेते हैं ऑल दो आपको पता है टाइम बहुत कम है फेस वन और फेस टू में है ना बट तो फिर भी कहीं ऐसे सोचते हैं एक टाइम पे दोनों तैयारियां नहीं मुझसे होगी बट जिस स्टूडेंट ने इस बार के पेपर में फेस वन और फेस टू को एक साथ किया है उसके लिए जर्नल अवेयरनेस बहुत बढ़िया सेक्शन रहा होगा क्योंकि आपका फेस टू फोकस्ड ज्यादा रहा है इस बार का जर्नल अवेयरनेस एज कंपेयर टू प्रीवियस पेपर्स पहले आपका करंट अफेयर्स जो होता था वो थोड़ा सा एक तो देखो वन लाइनर बहुत आते थे इस बार वन लाइनर नहीं आया है इस बार आपके 80 में से अराउंड 55 क्वेश्चंस अराउंड 55 क्वेश्चंस आपके जो थे वो रीडिंग वाले थे ठीक है ओवरऑल जर्नल जर्नल अवेयरनेस जो है वो आपका डिफिकल्ट रहा है सेक्शन क्योंकि बच्चों ने सोचा कि वन लाइनर आते कि एक क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर बताना होता है एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है ना बट इस बार आपके अराउंड 55 क्वेश्चंस थे जो रीडिंग टाइम मांग रहे थे जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट था ठीक है तो रीडिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था क्योंकि डिफिकल्टी लेवल यहाँ हमें कोई सॉल्व थोड़ा करना है ना अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग अगर ये लेंथी रहा है सेक्शन वो सिर्फ इस वजह से रहा है कि आपका क्वेश्चन सिंगल लाइनर नहीं था आपसे वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं ठीक है तो आप इस चीज के लिए शायद प्रिपेयर नहीं थे है ना आपको यही लगा कि हाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ जाएंगे जीके बहुत वास्ट है है ना आपको लगा होगा कि हम जो है ये सारा कर लेते हैं करंट अफेयर अच्छे से कर लेते हैं स्टार्टिक जी के कर लेते हैं वो सब बहुत बड़ी है बट आपका इस बार का जैसे फेस टू फोकस में क्या कहना चाहूंगी कि फाइनेंस के बहुत क्वेश्चन आए फाइनेंस के फाइनेंस रिलेटेड बहुत सवाल आए हैं आपके पेपर में कैपिटल मार्केट्स के बहुत सवाल आए हैं ठीक है गवर्नमेंट स्कीम्स के बहुत सवाल आए हाँ जी गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चन आए तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी कवर हुई है इस बार फेस वन के करंट अफेयर्स में ठीक है तभी मैं कह रही हूँ कि फेज टू फोकस्ड ज्यादा रहा है तो लीडिंग टाइम रहा तो जिन्होंने कहीं हो जाते थोड़े लीनियन जर्नल अवेयरनेस में कि ये तो इसमें तो टाइम बचना ही है धीरे धीरे पॉज ले लेके सॉल्व कर रहे हैं बट Midway में उनको रियलाइज हुआ बच्चों ने मुझे बोला कि मैम हमें बाद में लगा कि हम तो बहुत स्लो चल रहे हैं ना क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि जर्नल अवेयरनेस में भी लेंदी हो सकता है बट इस बार हुआ है ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं अब जो आपने बच्चों ने मतलब अच्छे से तैयारी जिन्होंने की है वो इस चीज को हैंडल कर पाए हैं अच्छे से पूरी तरह से हैंडल कर पाए हैं ठीक है बाकी आपका जो करंट अफेयर कवर हुआ है वो लास्ट फोर मंथ्स का ज्यादा है ज़्यादातर आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहे हैं वो लास्ट फोर मंथ्स के रहे हैं यानी कि जिसमें मैं जून मई अप्रैल और मार्च ठीक है ये फोर मंथ्स की करंट अफेयर सबसे ज्यादा कवर हुई है और वैसे भी ये तो हम आप सबको गाइड करते ही हैं कि वैसे तो लास्ट सिक्स मंथ्स की करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होती है बट उन सिक्स में से भी जो रीसेंट फोर मंथ्स है ना उसकी करंट अफेयर थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड होती है ठीक है और इन फोर मंथ्स में भी अगर मैं बोलूँ ये मे के महीने की करंट अफेयर ज़्यादा थे मे मंथ का सबसे ज्यादा था तो ये तो एक पैटर्न एक्सपेक्टेड रहता है जो हम बच्चों को ऑलरेडी बोलते हैं कि आपका जिस मंथ में पेपर है उससे पिछले मंथ को तो बहुत बहुत बढ़िया से कर लेना है ना अदरवाइज लास्ट फोर मंथ्स को तो बहुत अच्छे से करना है ठीक है पर जो particularly पिछला महीना होगा उसकी करंट अफेयर्स तो आपकी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होनी चाहिए और वही चीज फॉलो हुई है इस बार पेपर में मे मंथ की करंट अफेयर ज्यादा आई है अच्छा बजट बजट को लेके स्टूडेंट के, के माइंड में रहता है कि बजट तो जरूर आएगा पर इस बार बजट का कोई खास क्वेश्चन नहीं आया सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया पेपर में बजट से आज सच कोई मेजरली कोई सवाल नहीं आया तो ये था आपका पूरा जर्नल अवेयरनेस का 80 क्वेश्चंस का सेक्शन जिसमें आपको पता लग गया कि चेंजेस क्या हुए हैं इस बार

आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे कि कौन सा आया है कौन सा नहीं आया है वो पूरी तरह से एक्सपेक्टेड था जो हमने बच्चों को बता रखा था वही सारी चीजें फॉलो हुई हैं जैसे कि आपके छः क्वेश्चन पजल्स के थे सीधे सीधे छ क्वेश्चन तो हम साफ साफ बोल देते हैं कि आपके अराउंड आधे से ज्यादा सवाल पजल के होंगे तो पूरे पूरे आधे सवाल थे एक दो क्वेश्चन थे जिसमें कि छः सवालों का सेट था तो अराउंड थर्टी टू थर्टी टू सवाल जो थे आपके वो पजल्स के रहे हैं ठीक है और उन पजल्स में भी आपको मैं बता दूं कि आपका जो तरीका होता है चूज करने का कि आप उनमें से बेस्ट

पांच को सवाल आपके डाटा सफिशियंसी के ठीक है फिर आपका इनपुट आउटपुट जो है इस बार नहीं आया ठीक है वैसे इनपुट आउटपुट हर बार आता है बट इस बार नहीं आया यही थोड़ा सा रीजनिंग में चेंज हुआ था फिर आपका सिलोगिज्म बट लकीली सिलोगिज्म बहुत डायरेक्ट आया ठीक है ऑल दो तरह के सवाल थे उसमें एक थे कि उसने पूछा कि कौन सा सही है और दूसरा उसने पूछा कि कौन सा गलत है तो ये तो हम बार बार आपको हमारे सेशन में बोलते हैं कि ध्यान से देखा करो कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहे है कि दिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट दॉलोज कह रहा है ठीक है तो ये चीज आपके सिलोगिज्म में रही है कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन है रिवर्स सिलोगिज्म नहीं आया जो हम पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार तो मतलब अगर रीजनिंग में कुछ चेंज भी हुआ है ना तो वो ऐसा हुआ है कि आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे और उससे थोड़ा छोटा ही हुआ है, है ना तो इसीलिए ये आपका फिर उसके बाद आपके कोडिंग uh, डिकोडिंग के सवाल तो कोडिंग डिकोडिंग तो एक्सपेक्टेड होता ही है, है ना कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न का सवाल था तो वो तो आपसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आएगा ठीक है और बाकी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन तो ये आपका मिसलेनियस में एल्फानी न्यूमेरिक क्वेश्चन भी कवर हुए ठीक तो है तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन थे तो आरबीआई ग्रेड बी में इस बार रीजनिंग का जो लेवल रहा है वो आपका देखो अगर कोई फर्स्ट टाइम पेपर दे रहा है है ना तो उसको शायद से मतलब फर्स्ट टाइम इन द वे की बैंकिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ कि कोई बैंक का पेपर पहले दिया हुआ है तो उनको इतना मुश्किल तो नहीं लगा होगा है ना पर तो जिसने बिल्कुल फर्स्ट टाइम बैंकिंग सेक्टर का कोई पेपर दिया है उसको शायद थोड़ी सी मुश्किल लगी हो पर रीजनिंग अनएक्सपेक्टेड नहीं थी रीजनिंग पूरी तरह से एक्सपेक्टेड थी पूरी तरह से एक्सपेक्टेड पैटर्न आया है आपका रीजनिंग का ठीक है अनएक्सपेक्टेड नहीं रहा है बाकी इसमें अगर आपकी कोई मतलब तरीका जिससे आपने परफेक्टली अटेम्प्ट किया हो वो है चॉइस ऑफ क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन आप पहले करेंगे कौन सा बाद में करेंगे पजल्स जो है वो आपने कौन सी पहले करी कौन से बाद में करी ये चॉइस ऑफ क्वेश्चन ने आपके सेक्शन में बढ़िया अटेम्प्ट मैक्सिमम अटेम्प्ट लाया होगा ठीक है तो अगर आपकी चॉइस ऑफ क्वेश्चन सही रही है तो आपका स्कोर जो है मतलब आपका रीजनिंग जो है उसका अटेम्प्ट जो है वो बहुत अच्छा जा सकता है ठीक है तो ये था आपका रीजनिंग का ओवरऑल पेपर जो कि एक्सपेक्टेड रहा है और ये आपका मॉडरेट टू हाई हम कह सकते हैं हाई में पूरी तरह से नहीं बोलूंगी क्योंकि एक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्टेड पेपर की तैयारी तो आप पहले ही उस लेवल की कर रहे होते हो, है ना बट इजी तो क्वेश्चंस नहीं होते है ना तो मॉडरेट टू हाई लेवल आपका रीजनिंग का था और एक्सपेक्टेड ही था ठीक है उसके बाद इंग्लिश देखो इंग्लिश जो है लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली काफी इजी था ओके okay? वैसे ओवरऑल मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी इजी बट इजी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर ठीक है बच्चे लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो आपका इंग्लिश का सेक्शन जो है वो इजी रहा और ओवरऑल पेपर जो है वही एक्सपेक्टेड चीजें थी है ना जिसमें कि आपका कॉम्प्रिहेंशन है ना ओके okay? कॉम्प्रिहेंशन था ठीक है बाकी आपके जो फिलर्स आते हैं जो आपके पैराग्राफ फिलर्स आते हैं ओके okay, ये सारी चीजें और आपका बाकी जो वो कैप बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं राइट right, ये सारी चीज़ें है ना तो इंग्लिश का पेपर जो है वो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो ऐसा ऐसा कोई डिफिकल्टी लेवल बड़ा नहीं है इनफैक्ट हमें ऐसा ही लगा है कि पिछले से तो थोड़ा सा आपका आसान ही रहा है इंग्लिश का ओवरऑल पेपर ठीक है तो जैसे कि आपको पता है इसके तीस क्वेश्चन आते हैं है ना तो वही है कि रीडिंग टाइम थोड़ा सा जो है वो बच्चे को जरूर इसमें लगा है ना मतलब ओवरऑल पेपर जो है अगर पिछले साल से आसान था डजेंट मीन कि एग्जैक्टली इजी था ठीक है रीडिंग टाइम तो इंग्लिश के सेक्शन में भी लगा है क्योंकि यहाँ के कॉम्प्रीहेंशन भी आपके फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि टॉपिक्स कवर to कर रहे थे जैसे कि फाइनेंस के आए हुए थे स्टोरी बेस्ड नहीं थे है ना तो जो आप ऑब्वियसली अगर फेस टू की अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो वो कुछ की टर्म्स होती है आपके कॉम्प्रिहेंशन में जिनको आपके लिए समझना आसान हो जाता है अगर आपने फाइनेंस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये जरूर कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम आपकी रहती है ठीक है तो बाकी जैसे कि ये वो कैब बेस्ड हो गए वर्ड रिप्लेसमेंट हो गई है ना ये चीज़ें आपकी आई हैं कॉम्प्रीहेंशन फिलर्स वो कैब बेस्ड वर्ड रिप्लेसमेंट ओके करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड राइट करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स ठीक है उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट ओके सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो इस बार ना सेंटेंस रीअरेंजमेंट काफी अलग अलग तरह का आया विद इन द सेंटेंस भी आया कि विद इन द सेंटेंस आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस और वो जो कट्ठे आपको चार चार पांच-पांच स्टेटमेंट्स दी होती है और उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है वो भी आया है ठीक है तो ये आपका ओवरऑल इंग्लिश का रहा है जो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आपका मतलब जो जो टॉपिक कवर हुआ है वो ये सारे टॉपिक्स है बट मैं कहना चाहूंगी कि रीडिंग टाइम कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश में भी अच्छा खासा बच्चों को लगा है क्योंकि फाइनेंस बेस्ड सवाल थे बड़े-बड़े पैराग्राफ्स -बड़े थे जिनको पढ़ने का टाइम आपको निकालना पड़ेगा ओके एंड लास्ट में लास्ट में अगर हम बात करें मैथ्स की तो देखो मैथ्स का सबसे पहले तो आपके डी के दो सवाल आए जैसे कि आपको पता है मैथ्स के तीस सवाल आने हैं आपके पेपर में आर ग्रेड बी में तो डी के दो सेट्स तो आए हैं यानी टेन क्वेश्चन तो डी के ही हो गए है ना तो जिसमें कि एक तो आपका लेंदी था मतलब वो मुश्किल नहीं था बट जैसे होता है ना बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है एक सेट तो तो आपका था लेंदी और दूसरा मिसिंग डी था तो मिसिंग डी को तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि वो मतलब लेंदी नहीं होगा है ना मिसिंग डीआई में तो थोड़ा सा लेंदी हो ही जाता है ठीक है तो दो डीआई थी है ना तो एक तो लेंदी थी बट इजी थी और दूसरा मिसिंग डीआई था ठीक है तो मिसिंग डीआई आप ऑलरेडी अच्छे से पढ़ते हैं अगर आप आरबीआई कोई बच्चा आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करने जा रहा है पर वो मिसिंग डीआई को छोड़ेगा तो नहीं है ना तो मिसिंग डीआई आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था ओके उसके बाद देखो बाकी तो वही एक्सपेक्टेड रहा है मैथ्स का भी वही नंबर सीरीज के सवाल बस नंबर सीरीज के वो नहीं थे कि एक सीक्वेंस दिया हुआ और आपको एक क्वेश्चन मार्क दे दिया यहाँ पे वो वाले थे कि दो सीरीज होती है एक सीरीज कंप्लीट है दूसरी सीरीज में एक दो क्वेश्चन मार्क होंगे और बताएगा कि बताइए सेम रूल अगर दोनों में फॉलो हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा तो वो थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है नंबर सीरीज उसके बाद डाटा सफिशिएंसी देखो ये तो कंफर्म चैप्टर है आपका रीजनिंग का भी और मैथ्स का भी डाटा सफिशिएंसी के सवाल आए हैं ओके आपका फिर लीनियर क्वाड्रेटिक के दो तीन सवाल आए हैं है ना लीनियर एंड क्वाड्रेटिक के ओके और बाकी सारा अरिथमेटिक तो वही बच्चे जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैथ्स में उनको पता होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके नंबर सीरीज डाटा सफिशियंसी लीनियर क्वाड्रेटिक और डी से ही कवर होते हैं है ना तो मतलब अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन आपके इनसे कवर हो जाते हैं और दस सवाल बचते हैं वो सारे आपके अरिथमेटिक से आते हैं तो वही एक्सपेक्टेड रहा था मैथ्स का भी पैटर्न बट हाँ इजी नहीं बोलेंगे हम ठीक है डिफिकल्टी लेवल अच्छा था मतलब टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग आरबीआई के पेपर में कभी भी हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि पेपर इजी आए टाइम कंज्यूमिंग तो डेफिनेटली होगा बट इस बार जो शॉकिंग uh, रहा बच्चों के लिए वो जीए का सेक्शन था क्योंकि जीए कभी किसी ने नहीं सोचा था कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है ठीक है तो ये आपका रहा ओवरऑल एक एक uh, आपका सेक्शन जिसमें किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है अब आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी हाँ जी कट ऑफ मैं आपको बता दूं जैसे कि आपका 200 मार्क्स का पेपर है पहले तो मैं आपको हर सेक्शन के बारे में बताना चाहूंगी अगर हम बात करें जीके की ओके तो जीके में अगर आपने थर्टी फाइव प्लस का अटेम्प्ट किया है ओके okay, तो आप सेफ है रीजनिंग में अगर आपने ट्वेंटी टू प्लस का अटेम्प्ट किया है तो भी आप सेफ है ठीक है तो उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो इंग्लिश में अगर आपने एटीन प्लस या चलो मतलब फिफ्टीन टू एटीन प्लस का अटेम्प्ट किया है तो आप सेफ है ओके okay? और लास्ट में अगर मैं बात करूं मैथ्स की हाँ जी मैथ्स में अगर आपका अटेम्प्ट जो है वो टेन प्लस का रहा है तो आप सेफ है ओके तो ये आपका मतलब हर सेक्शन का मैंने बता दिया कि एक जिससे अगर आपका किया है तो आप सेफ जोन में हैं ओके और ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ ओवरऑल तो देखो अभी हम बिना फेस टू के तो बोल ही नहीं सकते है ना अभी तो मैं सिर्फ फेस वन की बात कर रही हूँ ये मैं सिर्फ और सिर्फ फेस वन की बात कर रही हूँ ओवरऑल जो हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अराउंड 65 है अराउंड 65 है आपकी ओवरऑल कट ऑफ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जाएगी ठीक है बट वही है कि आप जो है अपने आप को देखिए ऑब्जर्व करिए कि आप किस लेयर में है किस जोन में है आपका कितना अटेम्प्ट किया है टोटल कितना सेक्शंस का कितना है और एनालाइज करिए कि आप किस जोन में है ठीक है बट देखो एक बच्चा ऐसा होगा राइट right? अभी जो सेशन देख रहे हैं स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होंगे जिनको जिनका पेपर तो अच्छा नहीं गया होगा है ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे ड्यू टू मे बी लैक ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी या फिर कहीं बच्चे पैनिक बहुत कर जाते हैं है ना कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कॉन्फिडेंट है कि हमारा पेपर क्लियर होगा और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े डाइसी हैं कि हमें पता नहीं है कि शायद से हो भी जाए तो बच्चे आप अगर कन्फर्म है, है ना या फिर आप डाइसी हैं फेज़ टू की प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ जस्ट अ फ्यू डेज जो आपको फेज़ phase... टू के लिए आपको करना है प्रिपेयर ठीक है ऑल दो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं बट अभी वो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो कि हम तैयारी करें फेस टू की क्या ना करें अगर आप कंफर्म फील कर रहे हैं मैंने आपको एक रेंज बता दी है अगर आप खुद को कंफर्म फील कर रहे हैं कि फेस वन जो है आपका क्लियर है ठीक है और आप अगर डाउटफुल भी फील कर रहे हैं तब भी आप फेज टू की तैयारी शुरू कर दीजिए ठीक है क्योंकि अप एंड बिलो तो, तो होता ही है दीज आर एक्सपेक्टेड नंबर्स ठीक है ये एक्सपेक्टेड नंबर्स है राइट तो ये नहीं कि आप कह दो कि मैम ने 65 प्लस कहा है इससे नीचे तो जाएगा ही नहीं तो आप मान के बैठ जाओ मेरे को फेस टू नहीं देना है ना ऐसा कुछ मत सोचिए आप अच्छे से अपनी फेज टू की तैयारी करिए हाँ अगर कुछ स्टूडेंट्स जस्ट वैसे ही पेपर देखने के लिए गए थे और बहुत अच्छा नहीं हुआ है मतलब जो स्टूडेंट्स बहुत ही हंड्रेड टू हंड्रेड परसेंट श्योर फील कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जो थोड़े डाइसी है तो बच्चे डो नॉट वेस्ट योर टाइम स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज टू ठीक है आप अच्छे से फेज वन हो चुका है ठीक है जो हो गया इट्स बीन डन ओके नॉट थिंक अबाउट इट जस्ट फेज टू अब आपके सामने है फेज टू की अच्छे से तैयारी करिए और वहां पे बढ़िया स्कोर करिए ताकि आपका ओवरऑल जो है वो सारा स्कोर बढ़िया हो जाए ठीक है तो ये आपका था इस बार का पूरा एनालिसिस ओके और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस सेशन को देख रहा है जिसने इस बार का पेपर दिया तो नहीं है बट बच्चे देख लीजिए किस तरह से चेंजेस होते हैं लास्ट ईयर से इस ईयर में जो मेजर चेंजेस हुए वो जीके में ही हुए हैं रीजनिंग और मैथ्स एक्सपेक्टेड था ठीक है बट कम्पेरेटिवली अगर मैं देखूँ रीजनिंग थोड़ी सी ईजी लगी बच्चों को इस बार मैथ्स के मुकाबले ठीक है एंड जो आपका इंग्लिश है वो तो कम्पेरेटिवली थोड़ा इजी ही आया बट क्योंकि आपके 200 में से से 80 cover करने वाला section ही अगर अगर थोड़ा unexpected आ जाए तो 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 वो वो आपको अच्छे से हिला देता है, है तो है, है है ना? ना? इसीलिए आने वाले आप आप हैं हैं, जो का देना चाहते सबको एक idea हो चुका है कि हर साल सेम नहीं रहता, हर साल पेपर में कुछ ऐसा जरूर आता है जो आप सबको शॉक कर देता है कोई भी चीज जो आपको शौक करे उस चीज से फाइट करने के लिए आपको अपने सिलेबस के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अच्छे से पूरा सिलेबस कवर करिए ताकि वो कुछ भी आपको शौक दे आप उस शौक के लिए रेडी है ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ठीक है आप सबका स्कोर आई विश अच्छा रहे बहुत बढ़िया रहे फेस वन का स्कोर जितने भी बच्चों ने सेशन को देखा है या अदरवाइज जितने भी बच्चे पेपर देने गए हैं सबका स्कोर बहुत बढ़िया रहे ठीक है एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज टू ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच